नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। 15 अप्रैल से नहीं चलेंगी ट्रेनें, रेलवे ने कहा अभी रेल संचालन को लेकर कोई योजना नहीं। जी हाँ, लॉकडाउन 14 अप्रैल तक ही रहेगा या फिर आगे बढ़ाया जाएगा, इसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी बीच भारतीय रेलवे ने उन सभी खबरों का खंडन किया है जिसके मुताबिक लॉकडाउन के खत्म होने के बाद 15 अप्रैल से ट्रेन सेवाएं शुरू करने की बात कही गई थी। रेलवे ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने अभी तक लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने को लेकर या फिर यात्रियों के लिए कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है। ऐसे में ट्रेन संचालन को फिर से शुरू करने के मानदंडों के बारे में अटकलें लगाना ठीक नहीं है। बयान में कहा गया है कि रेलवे यात्रियों सहित सभी स्टेक होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए जो सबके लिए बेहतर होगा वही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वे मीडिया के कुछ हिस्सों द्वारा दिखाई जा रही अफवाहों या फिर भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। रेलवे ने कहा कि जब इस बाबत में कोई फैसला लिया जाएगा तो सभी संबंधितों को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई थी कि रेलवे ट्रेनों को 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटने के बाद एक बार फिर से 15 अप्रैल से शुरू कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने कहा महिलाओं के जनधन खाते में जारी राहत राशि को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाताधारकों के खातों में जमा की जा रही राहत राशि को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगले 2 महीने में 500-500 रुपए की 2 समान किस्तों में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। इसी बीच सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक ने लाभार्थियों से कहा है कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें कि यदि वे इस पैसे को नहीं निकालेंगी तो सरकार उसे वापस ले लेगी। इन अफवाहों के चलते बड़ी संख्या में लोग बैंकों में पैसा निकालने के लिए जुट रहे हैं। महिला जनधन खाताधारकों के खातों में पहली किस्त के रूप में अप्रैल में 500 रुपए डाले गए हैं। SBI में सबसे ज्यादा जनधन खाते हैं, इसके चलते बैंकों की शाखाओं में भीड़ जमा हो रही है और इस बढ़ती बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक दूरी दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। वित्तीय सेवा विभाग ने ट्वीट में कहा है कि सरकार ने अप्रैल के लिए महिला जनधन खाताधारकों के खातों में 500-500 रुपए डाले हैं। लाभार्थी इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। विभाग ने कहा है कि मई और जून में इन खाताधारकों के खातों में 500-500 रुपए और डाले जाएंगे। विभाग ने लाभार्थियों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 1.7 करोड़ PPE किट का दिया गया है ऑर्डर, N95 मास्क और वेंटिलेटर की सप्लाई शुरू। जी हाँ, देश भर में जारी इस बढ़ती बीमारी के बीच 3 मेडिकल इक्विपमेंट की काफी चर्चा हो रही है। वे हैं N95 मास्क, वेंटिलेटर और PPE किट। इन तीनों को लेकर मंत्री समूह की बैठक में चर्चा हुई। इसको लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश भर में 20 कंपनियों के द्वारा इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को लेकर भी स्थिति साफ की कि किन परिस्थितियों में PPE किट की आवश्यकता पड़ती है। लव अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1.7 करोड़ PPE किट और 49,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया है। इसकी सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्री समूह की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि सैनिक के रूप में सेवा कर रहे डॉक्टर और मेडिकल कर्मियों को पूरे समाज का पूरा समर्थन और सम्मान मिले। उन्होंने लोगों से फेक न्यूज से बचने की सलाह देते हुए कहा कि हमें इस बात को समझना होगा कि सभी को PPE किट की आवश्यकता नहीं होती है, जिस चीज की जहां आवश्यकता है वहीं पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन को पढ़ने की सलाह दी है। लव अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ हाई रिस्क जोन में ही PPE का इस्तेमाल किया जाता है। इस मोदी सरकार ने बनाया मेगा प्लान, राज्यों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड का ऐलान। जी हाँ, इस बढ़ती बीमारी के सामने आने के बाद केंद्र सरकार अब भविष्य के लिहाज से हर तरह की तैयारियां करने में जुट गई है, जिससे कि आगे इस तरह के हालात बनने पर स्वास्थ्य तैयारियां कहीं से भी कमजोर न लगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इस मकसद को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के बड़े पैकेज का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखकर इसकी शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से NHM की मिशन डायरेक्टर वंदना गुरुनानी ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के इंडिया इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से 100% फंडेड होगा।
बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पहली से नवीं और ग्यारहवीं के छात्र बिना परीक्षा के होंगे पास। जी हां, इस बढ़ती बीमारी के कारण लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब परीक्षाओं का आयोजन कब किया जाएगा इसके बारे में तो फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वहीं बिहार सरकार ने पहली से नवीं और ग्यारहवीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। बिहार सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के कक्षा पहली से नवीं और ग्यारहवीं के सभी छात्रों को बिना वार्षिक परीक्षा के पास करने का निर्णय लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन ने न्यूज एजेंसी को बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्कूल नहीं खुल सकते हैं। इसी के मद्देनजर हमने छात्रों को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि बोर्ड ने 24 मार्च 2020 को कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए थे। अब छात्रों को कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम का इंतजार है। हालांकि वर्तमान में मूल्यांकन प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण रुकी हुई है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ओडिशा के सीएम का बड़ा ऐलान, राज्य में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य। जी हां, ओडिशा में इस बढ़ती बीमारी के बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 30 अप्रैल तक ओडिशा में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी है। लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाते हुए नवीन पटनायक ने केंद्र से गुजारिश की है कि 30 अप्रैल तक रेलवे और हवाई यात्राओं को शुरू न किया जाए। आपको बता दें कि राज्य में शैक्षणिक संस्थान 17 जून तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। इस दौरान यह बात सामने आई कि सभी राज्यों के हालात को देखते हुए लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की सिफारिश की थी। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि पीएम लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। जी हां, राजधानी के गौतम बुद्ध नगर में बुधवार रात सफदरगंज अस्पताल की दो महिला डॉक्टरों से मारपीट की घटना को दिल्ली सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस व्यक्ति ने डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। केजरीवाल ने डॉक्टरों और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 21 क्षेत्रों में इस बढ़ती बीमारी के मामले पाए गए हैं। इन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और निवासियों को घर में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इस दौरान लोगों को घर पर ही जरूरी सेवाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमें पता है कि लॉकडाउन और सीलिंग से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम इस बढ़ती बीमारी की रोकथाम और उसे खत्म करने के लिए आवश्यक है। दिल्ली में घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने पर लोगों को 6 महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने इस बढ़ती बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आएगा दूसरा राहत पैकेज, सरकार जल्द कर सकती है इसका ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही एक और वित्तीय पैकेज का ऐलान कर सकती है जो पिछले महीने 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की तरह रह सकता है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का कहना है कि नए पैकेज का फोकस मंझौले कारोबारियों के ब्याज दर में छूट, रियल्टी के लिए राहत और सरकारी बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन पर रह सकता है। पिछले महीने सरकार ने इस बढ़ती बीमारी से निपटने में आम लोगों और कमजोर तबके के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को हालांकि नाकाफी बताया गया है। SBI के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि पहले जो राहत पैकेज जारी किए गए हैं उनमें से अधिकांश का ऐलान बजट में पहले ही हो चुका है। केवल 70,000 करोड़ रुपए का नया ऐलान है। BOFA के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हमारा मानना है कि वित्त मंत्रालय GDP का 0.3% के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान करेगा। जहां तक वित्तीय घाटे और महंगाई दर की बात है तो सरकार का इस दिशा में अभी तक समझदारी भरा निर्णय रहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया आरोग्य सेतु ऐप का महत्व, पलक झपकते ही उपलब्ध होगी मदद और गाइडेंस। जी हां, भारत सरकार ने इस बढ़ती बीमारी पर लगाम लगाने के लिए 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज भारत सरकार और तमिलनाडु के बीच एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत हुई है। आरोग्य सेतु IVRF को लॉन्च किया गया है। जैसे ही आप एक बार मिस्ड कॉल देते हैं तो ये तभी एक्टिवेट
हो जाएगा, आपकी लोकेशन की पहचान कर ली जाएगी, इस पर हेल्थ केयर के लिए मदद और गाइडेंस उपलब्ध होगी। आज इसकी पायलट योजना भी थी, इसे दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा। ये नॉन स्मार्टफोन के लिए भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील करते हुए कहा था, यह इस बढ़ती बीमारी के खिलाफ देश की लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम है। लोगों के घरों में रहने से 20% बढ़ा इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल। जी हां, इस बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा रखा है। इस कारण लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग इंटरनेट के जरिए घरों से ही अपना काम कर रहे हैं, साथ ही साथ छात्र ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं। जो लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं वह घरों में ही वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग एप्स के जरिए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इससे बीते 3 सप्ताह में डेटा खपत में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह जानकारी इंटरनेट एक्सचेंज फर्म DICIX ने दी है। कंपनी ने कहा है कि एक साथ कई लोगों को कनेक्ट करने वाले टूल्स जैसे कि जूम, स्काइप, वेवेक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दोगुना बढ़ गया है। वहीं वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, G5, अमेजॉन प्राइम आदि और गेमिंग ऐप्स का इस्तेमाल 120% बढ़ गया है। लॉकडाउन में विश्वसनीय सूचना के लिए 82% लोगों ने FM पर किया भरोसा, औसतन प्रतिदिन 2.36 घंटे रेडियो सुन रहे हैं लोग। जी हां, रेडियो लोगों के लिए अच्छे और बुरे वक्त का साथी रहा है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच पूरे भारत में गांव से लेकर मेट्रो शहरों तक है। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि लॉकडाउन में 6 मेट्रो शहरों के 82% लोगों ने विश्वसनीय जानकारी के लिए FM रेडियो का सहारा लिया है, जबकि रेडियो सुनने का उनका समय बढ़कर प्रतिदिन 2.36 घंटे हो गया है। एजेड रिसर्च LLP की ओर से 3300 लोगों के लिए किए गए सर्वे में पता चला है कि इस बढ़ती बीमारी के इस मुश्किल दौर में रेडियो विश्वसनीय जानकारियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा साधन है। रेडियो का क्रेडिबिलिटी स्कोर 6.27 रहा है, जो इंटरनेट 6.44 से कुछ ही कम है और TV 5.74 से अधिक है। सर्वे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे और हैदराबाद में किया गया था। वास्तव में रेडियो इंडस्ट्री का श्रोता वर्ग 5.1 करोड़ लोगों का है, जो कि टीवी के 5.6 करोड़ के दर्शक वर्ग और सोशल मीडिया रीच 5.7 करोड़ के करीब है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि रेडियो के श्रोताओं में 22% की तेजी आई है और 64% से बढ़कर 82% तक पहुंच गया है। लॉकडाउन में लोगों के रेडियो सुनने के समय में 23% का उछाल आया है और औसतन वे 2.36 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से समय बिता रहे हैं। इसके आगे बस TV ही है। तो आप कमेंट कीजिए कि विश्वसनीय सूचना के माध्यम के रूप में आप किस चैनल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और राजस्थान के पश्चिमी भागों में धूल भरी आंधी के साथ 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अगर आपने अभी तक जियो वीडियोज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।